कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उस क्वेश्चंस को हम बाद में देखेंगे। पहले जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं। आपके सामने मैंने बनाया एक बैलेंस शीट, ठीक है, और ये हमारा लाइबिलिटी है और ये हमारा एसेट है। इसके अंदर लाइबिलिटी साइड की अगर मैं बात करूं तो सपोज दैट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लाइबिलिटी, जैसे कि सबसे पहले हमारा शेयर कैपिटल आ गया, क्रेडिटर आ गया। शेयर कैपिटल 5 लाख मान लेते हैं, क्रेडिटर 2 लाख मान लेते हैं, डिबेंचर भी आ सकता है यहाँ पे, 10% डिबेंचर मान लेते हैं 3 लाख, तो ये 10 लाख का टोटल आ गया। तो ये जितने लाइबिलिटी है वो कहाँ लिखे हैं मैंने, बैलेंस शीट के अंदर। कुछ ऐसी लाइबिलिटी हैं जिसको हम बैलेंस शीट के बाहर दिखाते हैं। एक पॉइंट और ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ 12% प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, सॉरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और ये मान लेते हैं 5 लाख, तो दैट्स इट, 15 लाख आ गया, ठीक है ना। कुछ ऐसी लाइबिलिटी है जिसको पता है हम क्या बोलते हैं, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होता है सर? ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी हमारा वो लाइबिलिटी होता है जो किसी न किसी हैपनिंग पे डिपेंड करता है। मतलब हमारा हो भी सकता है, कंपनी मानने को तैयार नहीं है और सामने वाला बोल रहा है आपको तो देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी होगी जो कि किसी हैपनिंग पे डिपेंड करेगा। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी यहां नहीं लिखते कभी भी हम। कंटिंजेंट लाइबिलिटी को हम हमेशा बैलेंस शीट के नीचे लिखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी मानने को तैयार नहीं है, ठीक है ना। और जैसे कि मैं हूं, सपोज दैट एक बच्चे ने मेरे से कोर्स खरीदा और कोर्स खरीदने के बाद बोले सर हमारे 75 नंबर नहीं आए, हमारे फीस वापस करो। मैंने कहा भाई मैंने तो कोर्स कंप्लीट कराया, आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी इसलिए नहीं आए। उसने बोला ऐसा नहीं होता, मेरी फीस वापस देनी होगी। अब मैं अगर कंपनी हूं तो क्या मैं उसके फीस देने के लिए मैं तैयार हूं? नहीं। उसने बोला मैं फीस लूंगा, उसने केस कर दिया, उसने कोर्ट में जाके केस कर दिया। अब केस कर दिया तो कहीं ना कहीं सोचूंगा यार पता नहीं कैसा बच्चा मिला है ये, टेंशन हो गई उसके केस में। चलो केस कर दिया, फिर मैं अपना केस में अपना मैं अपनी सफाई दूंगा। तो उस सिचुएशन के अंदर मुझे कहीं ना कहीं डर है कि भाई बच्चे की फीस देनी भी पड़ सकती है। अगर मैं केस हार गया तो बच्चे की फीस रिफंड करनी पड़ेगी, अगर मैं केस जीत गया तो, अगर मैं केस जीत गया तो क्या उसके पैसे दूंगा मैं? तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी होना ना होना एक हैपनिंग पे डिपेंड कर रहा है। तो उस बच्चे की फीस जो है ना उसे मैं लिख दूंगा जैसे कस्टमर क्लेम, कस्टमर क्लेम रुपीस 1000, कस्टमर ने क्लेम कितना कर रखा है 1000, यहां लिख रहा हूं मैं। सर यहां क्यों लिख रहे हो, इसे लाइबिलिटी में लिख दो। मैं नहीं मान रहा ना लाइबिलिटी, मैं नहीं देना चाहता उसके पैसे, तो यहां भी क्यों लिख रहे हो? देना पड़ सकता है, तो इसको कौन सी लाइबिलिटी बोलेंगे? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। सेम ऐसे समझ में आया कंटिंजेंट लाइबिलिटी कैसे? सेम ऐसे मैंने बोला 2 ईयर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड एरियर, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है ये, 2 साल का प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड एरियर है, देना बाकी है अभी, 2 चीजें हैं। अब आपको पता है हम रिकंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, ये तो है हमारी पूरी बैलेंस शीट की कहानी यहां से यहां तक। हालांकि ये बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, बैलेंस शीट के बाहर है। मैंने पॉइंट नंबर 1 लिखा कस्टमर क्लेम्स सेटल इन 50%। कहने का मतलब है ग्राहक जो भी था, जो भी हमारा डिस्प्यूट चल रहा था, 50% में सेटलमेंट हो गया। दूसरा
प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 20% पेड, बैलेंस वेव ऑफ, ठीक है, बैलेंस छोड़ दिए उसने। अब मैं जनरल एंट्री पूछूंगा, ध्यान से पूरे दिमाग से बताना। अब कस्टमर को कितने देने थे और दिए कितने? 500 दिए। यस, हर कोई एग्री करता है, देने कितने थे 1000 और दिए कितने 500। जनरल एंट्री बताइए। कस्टमर क्लेम टू रिकंस्ट्रक्शन 500। कहने का मतलब क्या है ये 500 का? भाई कस्टमर टू रिकंस्ट्रक्शन 500। अब देखिए, इसकी जनरल एंट्री होगी हमारे लिए ये लाइबिलिटी नहीं था, लाइबिलिटी नहीं था, फिर भी मुझे 500 रुपये अपनी जेब से देना पड़ रहा है। जब तक इसके अंदर नहीं होगा ना, लाइबिलिटी नहीं होगा। समझ रहे हो बात? मेरे लिए लाइबिलिटी नहीं था, फिर भी 500 पे करने पड़ रहे हैं मुझे, नुकसान ही हो गया है। तो क्या होगा? रिकंस्ट्रक्शन टू, दैट्स इट। समझे? इसकी एंट्री क्या होगी? ये एंट्री होगी। लॉजिकली समझो, क्योंकि आगे आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, तो वहां पे फिर परेशान नहीं होना। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट याद रहेगा ना, तो फटाफट बोलोगे सर ये लाइबिलिटी नहीं था, इसको ऐसे ऐसे करना है। अगर मैं बोलता कि कस्टमर क्लेम या फिर कस्टमर क्लेम 100% वेव ऑफ या नहीं दे रहे हम कस्टमर को, सिंपल भाषा में, तो बताओ क्या जनरल एंट्री होगी? कोई नहीं होगी। अगर मैं कस्टमर को 1 रुपया ना दूं, तो पहले भी मैं देने को कौन सा तैयार था? मेरे लिए लाइबिलिटी नहीं था और मैं दे भी नहीं रहा, तो मेरा क्या एंट्री होगा? कोई एंट्री नहीं होगा। क्लियर? अब इस पे आते हैं। प्रेफरेंस शेयर का 20% पेड, हमारा 2 साल का, मैंने 2 साल वाला बात नहीं लिखा, अच्छा यहां लिखा है ना, 2 साल का प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड एरियर है। तो सर 2 साल का प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कैसे निकालोगे? तो 5 लाख का 12% और गुणा में 2, यानी कितने होंगे? 1,20,000 इस सेंटेंस के हिसाब से मेरे प्रेफरेंस शेयर के एरियर हैं। लेकिन मैं उसे पेमेंट कितना कर रहा हूं? 20%। बाकी बोला कि मैं नहीं ले रहा, छोड़ रहा हूं अभी। तो 20% का मतलब सिर्फ और सिर्फ उसे देना कितना है? 24,000। इसकी जनरल एंट्री बताइए क्या होगा? सोचो सोचो। इसकी जनरल एंट्री बताइए। रिकंस्ट्रक्शन टू, बिल्कुल, रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक। क्यों? और 24,000। ऐसा कुछ बच्चे पता है क्या, अब स्टार्टिंग में अगर ये मैं कॉन्सेप्ट नहीं बताना, तो आपको पता है क्या लगता? 1,20 देने थे, 24 दिए, बाकी फायदा जो कि आपने यहां कर दिया था। लेकिन यहां पे भाई मैं तो तुझे देना ही नहीं चाह रहा था प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अगर तुझे देने का मन होता तो मैं यहां नहीं लिखता बाहर, मैं कहां लिखता? लाइबिलिटी में लिखता। तो तुझे मैं देना ही नहीं चाह रहा था, फिर भी ना हाँ करते मैंने कितने दे दिए, तो मेरा सारा ही नुकसान हो गया यार ये तो। तो रिकंस्ट्रक्शन को डेबिट टू। अब देखो इन दोनों एंट्री को देख के तो आप नहीं बता सकते किसकी है, तो इसके बींग में लिखेंगे ना, और यहां पे भी क्या लिखेंगे? बींग में। तो यानी सिंपल सी बात है, अगर प्रेफरेंस शेयर का एरियर डिविडेंड, इस पर स्पेशली क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है स्पेशली, तो अगर एरियर मैं बैलेंस शीट के अंदर लिखता, मान लेते हैं यहां पे ना लिख के अगर मैं लिखता प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड और यहां लिखता 120, क्या ये एंट्री सेम रहता? क्या ये एंट्री सेम रहता, हां या ना में जवाब दीजिए आप सभी कमेंट में। नहीं रहता जी, नहीं रहता।
क्यों? उस केस में हमारा फायदा नुकसान वाली बात, क्योंकि 24 दे रहा हूं, देना एक 20 था, तो अब यहां मेरा फायदा हो जाता 96 का। तो मेरी एंट्री क्या होती वहां पे? अगर अंदर होता तो उस केस के लिए भी मैं एंट्री बता देता हूं। क्या करते सर? यहां अंदर होता तो एंट्री करते हम प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड टू बैंक और टू रिकंस्ट्रक्शन। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड में आता 120, बैंक में 24 और यहां 96। कोई दिक्कत? क्लियर आपको यहां तक सारा? तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको बताना था, तो ये मेरे हिसाब से नोट कर लो ताकि फर्दर आपको याद रहे, है कि नहीं? तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे आने वाले क्वेश्चंस में आएंगे, इसलिए मैंने बताया। अभी तक जो कॉन्सेप्ट बताया, देखो क्वेश्चन तो करा नहीं हमने अभी, जो कॉन्सेप्ट बताया, अगर इसमें डाउट है तो आप कमेंट में बताइए, मैं सॉल्व करता हूं उसको।